हेलो गाइस, कृष्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं बैंगन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज, एक टमाटर, अदरक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और थोड़ी लहसुन की कर ली। अब हम बैंगन को कुछ इस तरह कट कर लेंगे। इनको हमने इसलिए कट करा है ताकि इसमें अंदर कुछ निकले नहीं, तो हम चेक कर लेंगे, पर आप इस तरह ही काटिएगा। और अब मिक्सर ग्राइंडर में हम ऐसे टमाटर कट करके डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियां। इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे कुछ ऐसा। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा कटा हुआ प्याज भी ऐड करेंगे इस तेल में, और एक तेज पत्ता भी ऐड करेंगे, और इन सबको अच्छे से चला लेंगे। और प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम दूसरी तरफ एक चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी रेड मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, और वो जो हमने प्याज वाला पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे। और हमने पहले से ही दही मैश करके रखा था, तो अब हम इस पेस्ट में दही ऐड करेंगे। इसलिए हमने टमाटर भी एक ही डाला था, क्योंकि फिर बैंगन ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, वो आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इनको अच्छे से चलाते रहेंगे। और अब इनमें बैंगन ऐड करेंगे। और इनको कुछ इस तरह डालेंगे कि इनमें मसाला भर जाए अंदर।
और थोड़ी देर के लिए इन बैंगन को ढककर रख देंगे हम। और 10 मिनट बाद बैंगन कुछ ऐसे दिखेंगे। अभी ये पूरी तरह से बने नहीं है, अभी थोड़ी देर लगेगी इन्हें बनने में। और लीजिए, आपके बैंगन की रेसिपी रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृष्णा किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।